पतंजलि का घी लेने गए तो वहाँ पे पतंजलि का पोस्टर तो लगा था, बाकी वो भैया ने क्या बोला? वो भैया बोले कि पतंजलि क्या बोले भाई बताना यार, बोल बोल। तो पतंजलि का मैं पैकेट लेने गया, ठीक है। हाँ। फिर वो पैकेट लेने के बाद बोला भैया घी दो। हाँ। तो भैया बोले घी तो नहीं है, मैंने फिर पोस्टर क्यों लगाया है? तो बोले पोस्टर वो भैया उनके मन से लगा के। यहाँ बहुत भीड़ है, अगर अपन हैंड स्ट्रेन करेंगे तो वही का मारेगा, इसलिए हैंड स्ट्रेन नहीं करना चाहिए पब्लिक में। भाई तो पब्लिक में करने से क्या दिक्कत है? पब्लिक पाँव पे चल रही, तू हाथ से चल ले। अरे तो पब्लिक ऐसे ही तो बोलेगी भाई सब सीधे चल रहे तो तू उल्टा क्यों चल रही? अरे भाई हमारे हाथ हमारे पैर, हम कैसे चले? हमारा मन हो तो हम मुँह से चल रहे, हम तेरे को क्या करना? मैं चल तो रहा हूँ तेरे साथ, डर लग रहा है तेरे को? पहलवान यार, पहलवान देखो घबराहट हो रही बहुत तेज। घबराए मत तू, यहाँ फिले वो करके बता, हैंड क्या कहते हैं, हाथ से चल के बता उल्टा होके। हाथ से चल के तो नहीं, पर अपन ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात तो ये घी तो अपन ढूंढ रहे हैं, नोवेल्टी घी मिलता है क्या? हाँ नोवेल्टी बढ़िया चीज़ है क्या? इंदौर में आओ और नोवेल्टी में नहीं आओ बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्या? भाई चोरी होने का हम दिखते पहलवान चोरी। अरे भाई ऐसी बात नहीं करते, व्लॉग में सबके सामने। ओ सॉरी, चोरी वाली बात अपन सबको अकेले में करने की बात। चोरी भैया चोरी, थोड़ा एथिकेट, थोड़ा एथिकेट से सीखो। चोरी वाली बात होती है अपने वहाँ पर भाई, होती पहलवान भंवर कुआ पे, भाई भोला राम पे, भोला राम भंवर कुआ। क्या थोड़ा एथिकेट से सीखने की जरूरत है? अरे मैं सीख जम्मा भैया यार, दो बार मत को यार। एथिकेट्स का मतलब क्या होता है? वो छोरी दिन भर बोलती रहती एथिकेट्स, मेरे को तो मतलब नहीं पता। पहले मीनिंग पता लगाऊंगा, और उससे मैंने क्या कि कमेंट में पूछा एथिकेट्स का मतलब क्या होता है, रिप्लाई नहीं करा उसने एथिकेट। हाँ यार भाई यार, आज लग रही भीड़ में आते मज़े, भीड़ में क्या, नोवेल्टी में घूमने में मजे ही कुछ और आते हैं। और नोवेल्टी हो और हम कर रहे हो ब्लॉगिंग और चल रही हो ऐसी ठंडी ठंडी हवा, ये जो भैया तो मजे आ जाते क्या? जो भैया आगे चल रहे हैं ना, ये बोल रहे थे कि चट्टी में शर्म आती है हमको बना उनका वीडियो। अभी क्या मेरा काम देना पता, हम चल रहे अभी नोवेल्टी में, ये ब्लॉगिंग अपनी क्या प्रॉपर चल रही है, हवा भी अच्छी चल रही है। अपन तो पैदल ही, हाँ भाई तेज चल रहा तू मेरे सामने, तेज चलेगा तू तेज। जय श्री महाकाल, डॉलर मार्केट पहुंच गए हम इसी के साथ। डॉलर मार्केट के आगे पता नहीं कौन सा मार्केट आएगा, उस मार्केट में भी हम जाएंगे ये पूरे नोवेल्टी के व्यू से। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री महाकाल बाबा। मंदिर ये नोवेल्टी के बीचों बीच का मंदिर, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है इधर के अभी, तो इस ट्रैफिक में हम निकल रहे हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं आप लोग को प्रॉपर। आप भी मंदिर के दर्शन करो और मंदिर का अनुभव बताओ। ये नोवेल्टी के बीच में मंदिर महादेव का, बाद वापस हम नोवेल्टी में से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। बाकी हम निकलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ऑटो वगैरह सब फंसे हुए हैं नोवेल्टी के बीच में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, सिग्नल की काफ़ी ज़रूरत है, लगना चाहिए सिग्नल तो, पर क्या कर सकते हैं, अभी सिग्नल तो नहीं लगा है। बाकी हम निकल रहे हैं यहाँ पे से पैदल ही। सांवरिया भैया ने अपने पैर पे गाड़ी चढ़ाई थी पर अपन चढ़ाते चढ़ाते बच गए। अभी मर जाते नहीं, अभी मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं रहती, बाकी बच गए हम गलती से। पाप इतने करे कि बचना पड़ता है, ये तो यहाँ आ जाना 0% पे, फोन ले लेना बजाज के कार्ड से और एक महीने बाद खराब मोबाइल और ले लेना, बस मोबाइल लेके चला ना आए थे। और अभी कहाँ आ गए अपन? अपन नोवेल्टी घूम लिए, घी के वाहन अपने को घी तो मिला नहीं, मोबाइल की दुकान में से घी लेंगे क्या अपने? मेरे को लगा तो ऐसे तक नोवेल्टी में घी मिलता होगा पर घी तो मिला नहीं, अब हम घी की दुकान ढूंढेंगे किधर न किधर और घी लेके जाएंगे यार। ये आ गए हम, आ गए MG रोड पे, महात्मा गांधी रोड पे। अब यहाँ पे हम घी ढूंढते हैं कहाँ पे मिलता, ये घी के चक्कर में इतना घूमना पड़ा है बस हमारे को, नहीं तो हम इतने नहीं घूमते, सोए रहते क्या रूम में। बाकी आज घी के चक्कर में ही ब्लॉगिंग हो गई है तुम्हारे लिए, एक ब्लॉग अपलोड हो गया घी के चक्कर में, मात्र घी। अब तुम घी की कीमत लगा सकते हो, 500 रुपये किलो तो है ही नहीं घी वाली बकरे भाई मारेगा वो। मेरा नहीं बताया तुमने तुम्हारे पब्लिक को मेरा कैसा काम है?
क्या एक तरफा काम बताया भाई का। अरे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर बनते अपने ऐसे क्या, अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर बनते ऐसे कह रहा है। अब अच्छे अच्छे से मतलब समझ जाओ तुम। मैं ये खाना खाता तो इसकी बेला पड़ती खाना खाने में, इसलिए हमें घी लेना पड़ेगा। और घी के बहाने हम पूरे मार्केट में घूम रहे, हमारे को इंदौर जैसे शहर में आसानी से पता है। ये क्या घी नहीं मिलता इधर पूरे मार्केट में, पूछ लिया हमने कहाँ भगरिया है तू। अरे घी मिलता ही नहीं इधर, क्या घी लेने जाएगा तू, तेरे को घी चाहिए हमेशा। भाई उसको तो घी नहीं चाहिए, घी तो हमें ही चाहिए दादा। लिटरली हम लोग क्या समझते हैं नोवेल्टी का मतलब मोबाइल की दुकान, पर इंदौर आने के बाद एक चीज पता तो लग ही जाती कि नोवेल्टी का मतलब सिर्फ मोबाइल की दुकान नहीं होती, पूरे की दुकान। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही के सिला दिया। गाने गाना का मैं आगे फिलिप मारूंगा, फिलिप मार तू, तू फिलिप कार्ड नहीं मार पा रहा जब तक इंदौर में ट्राई। एक बात तो आपको साफ ही कह देता हूँ कि हम घी लेने आए थे, और घी तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि मिलेगा नहीं हमें, क्योंकि गांधी हॉल पे जो पतंजलि की दुकान थी वो मेरे हिसाब से बंद हो चुकी है, और अब हमें घी नहीं मिलेगा, और हमें बिना घी लिए ही वापस वहाँ पर जाना पड़ेगा। दूर दूर से घूम के घी लेने आए थे, बाकी पतंजलि की दुकान यहाँ पे थी पहले, हम घी लेते थे यहाँ से। और अब तुम देखोगे तो तुम्हें भी दुख होगा कि हम इतने लंबे घूम फिर के घी लेने आए थे गांधी हॉल। ओयो नहीं भाई, नीचे दुकान थी पतंजलि। ये देखो पतंजलि की दुकान, ये है किराए पे देनी। और ये क्या है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे ये जो भी है बाकी ये बंद हो गया। ये स्टंट करके बता रहा छोरा, फिलिप कर रहा था नहीं तू। अपन हरकत काय की हरकत, मतलब हरकत से मतलब क्या कहना चाह रहा तू, मतलब क्या करेंगे क्या कर है। हाँ तो रहे पर करेंगे क्या, तो आइए ना। आई रहे आई रहे, ब्लॉगिंग चल रही भैया ब्लॉगिंग। अभी क्या थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेते यार, गांधी हाल की हमने सोची। अपने से पूछ रहे थे हाई ब्रो कर रहे थे, तुमने कैमरा बताया था तब। हाँ पर लेकिन अपने सब्सक्राइबर तो 15 यार, वो भैया को बताएंगे तो कैसा लगेगा मन में अपने को। अपन उनको बताएंगे नहीं कि अपने 15 सब्सक्राइबर तो करेंगे ना, पूछेंगे ना वो अभी जाएंगे तो उनसे बोलेंगे देखो भैया अंदर की बात तुम्हें बता देते हैं हम, बाकी सब ठीक है सब चल रहा है। देखो अपन एक काम करते, सब्सक्राइबर तो हमारे 15 है, पर तुम्हारा अगर सपोर्ट रहा, तुम्हारे 2-4 दोस्तों से तुमने सब्सक्राइब कराया तो 30 तक तो पहुंच ही जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर। 30 तक पहुंचे तो 30 तो बहुत सब्सक्राइबर रहते हैं भाई यूट्यूब पे गेन करना। अब सो पे वो आ जाएगा अपने को यूट्यूब का, वो हरा गोला लीला पीला वो, अरे सिल्वर सो पे आता, 50 पे आता, वो सो पे आता हूँ। अरे यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 1-1.5 साल लगेगा इसमें तो 100 सब्सक्राइबर करने में। बता दे तू, मैं वहां से आ रहा था उधर से, वो गेट देखो। हाँ वो गेट पे से आ रहा था। हाँ तीन बैठे थे, ये ऐसे बैठा था, अरे ऐसे ही बैठा था ये। हाँ तो मैं आया तो ये भूखा पहले मेरे पे। हाँ फिर दोनों भूखे। हाँ फिर तीनों भूखे। तो मैं गुपचाप निकल लिया। अब गुपचाप निकला उसके बाद, उसके बाद घर गया, फिर कोई मतलब नहीं मैंने। हाँ वर्कआउट करना आया था सुबह, अच्छा मजे का वर्कआउट करवा दिया गंडी ने मेरा। फिर क्या घर गया और क्या। अरे यार मतलब भगा दिया तेरे को इनने, कुत्ते से तो दूरी रहना रे जीवन में, इसीलिए तो मैं बात नहीं करता ज्यादा क्या लोगों से। मारना सीखो भैया से। गांधी हाल के अंदर आ गए, ये ऐसे ग्लूब लगे मतलब बल्ब लगे यहाँ पे। गरीब दिखा